हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 13 चल रही है और इस सीरीज में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 4 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। अभी आपका लेवल 1 कंटिन्यू है तो इसमें आपको लेवल 1 के ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये कौन से बुक के आपको मिलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपके सवाल होंगे ना, वो आपको 5 सवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। काफी अच्छे सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो एक एक सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे सवाल जब भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, एग्जामिनेशन में, तो आप काफी आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को आप बना पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए बुक की बुक भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CHSL का एग्जामिनेशन हो गया या फिर CPO का एग्जामिनेशन हो गया या फिर IBPS बैंक PO क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, तो ये वीडियो इनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा कॉस्टिंग रुपीज 12 पर लीटर सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50% बाय सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड एट 15 रुपीज पर लीटर, ठीक है। देखिए, कौन से रेशियो से बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग वाटर को सोडा में, जो कि सोडा का कॉस्ट कितना आपको 12 रुपए प्रति लीटर है, अगर हम उसमें कौन से रेशियो से मिक्स करते हैं कि जब हम उसे 15 रुपए का भी बेचते हैं ना, तो मुझे 50% का वहां पे क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हो जाएगा आपका वाटर है, ठीक है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, सोडा मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। हमें रेशियो नहीं पता ना, रेशियो ही बताना है यहाँ पे। सोडा का जो कॉस्ट है ना, वो कितना आपको 12 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि अब इन दोनों का मिक्सचर को हम जब 15 रुपए में बेचते हैं तो वो, और उसमें क्या करते हैं, 50% का प्रॉफिट भी लेते हैं, तो कौन से रेशियो में हम लोग इसको कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सोडा का कॉस्ट तो है 12 रुपए, ठीक है, प्रति लीटर, और वाटर का कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है। वाटर मुफ्त में मिल जाता है तो वाटर मेरा क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है। अब देखो, समझना ध्यान से, ये 15 रुपए का हम लोग बेचते हैं और 15 रुपए बेचने के दौरान हमें 50% का क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट होता है। तो जब 50% का प्रॉफिट होता है तो कितने का फायदा होगा, 1/2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको 1/3 से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। जो मिक्सचर का है कॉस्ट प्राइस क्या हुआ वो तभी पता चल पाएगा, हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1/3 इसमें से माइनस कर, तो 1/3 कितना आएगा आपको, 5 आएगा, 5 इसमें से माइनस किया तो ये आ गया आपको कितना, 10 आ गया, ठीक है। अब 12 माइनस 10 अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 10 माइनस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और ये रेशियो निकल के आ जाता है 1:5। अगर हम इस अनुपात में अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं और उसे 15 रुपए में बेचते हैं तो हमें 50% का क्या होता है वहां पे, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, समझ गए सवाल को भी, ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ए सम ऑफ रुपीज 4 इज मेड अप ऑफ 20 क्वाइंस दैट आर इधर 10 पैसे क्वाइंस और 60 पैसे क्वाइंस, फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे क्वाइंस आर देयर इन द टोटल अमाउंट, ठीक है। देखिए, समझिएगा इस सवाल को, एक सम ऑफ मनी है जो कि कितना और आपको 4 रुपए हो रहा है, ठीक
ठीक है, और जिसमें कितने कॉइन्स है आपको 20 कॉइन्स को मिलाकर बनाया जा रहा है। अब उसमें क्या है, 10 पैसे के भी कॉइन्स है और 60 पैसे के कॉइन्स है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द टोटल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट है उसमें 20 पैसे के कॉइन्स कितने सारे, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से अगर इस सवाल को देखोगे ना, तो ये सवाल ही क्या यहाँ पे गलत है। क्या गलत है, आपको तो सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पे 10 पैसे का कॉइन है और कितना आपको 60 पैसे का कॉइन है, ठीक है। तो जब 60 पैसे और 10 पैसे का कॉइन आपसे दिया जा रहा है और आपसे पूछ क्या लिया जा रहा है, फिर 20 पैसे कॉइन, तो आप कहाँ से बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एरर है, यहाँ पर ये वाला जगह पे क्या होना चाहिए, आपको 10 पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये 10 पैसा जब होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक तो लिया गया हमारे पास 10 पैसे कॉइन लिया गया, और एक कितना लिया गया हमें, 60 पैसे कॉइन लिया गया, और इन सब कॉइन्स को मिला के टोटल कितने कॉइन्स हो गए हमारे पास, 20 कॉइन्स हो गए, ये है ना, 20 कॉइन्स हो गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, 60 माइनस 20 दैट इज 40, और 20 माइनस 10 दैट इज 10, ठीक है। तो रेशियो निकल के आ गया 4:1 का, ठीक है। टोटल मनी हमारे पास कितना है, टोटल मनी हमारे पास है 4 रुपए, और हमसे क्या पूछा गया है कि 10 पैसे का कॉइन्स कितना है, तो 10 पैसे का कॉइन्स कितना हो जाएगा आपका, ये 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। टोटल हमारे पास कितना है, 20 कॉइन्स है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है, ये हो गया आपका 20, और 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपको कितना, 16 कॉइन्स। तो 16 कॉइन्स हमारे 10 पैसे के हैं, तो ये हो गया आपका 16। समझ गए होगे सवाल को भी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि पिंकू ए डिसऑनेस्ट ग्रॉसर प्रोफेसेस टू सेल प्योर बटर एट कॉस्ट प्राइस, बट ही मिक्सेस इट विथ एडल्ट्रेटेड फैट एंड देयर बाय गेन्स 25%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेटेड फैट इन द मिक्सचर अज्यूमिंग दैट द एडल्ट्रेटेड फैट इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। देखिए, एक पिंकू क्या है, आपको डिसऑनेस्ट है, बेईमान बेचने वाला, सामान बेचने वाला है, जो कि प्योर बटर में क्या करता है आपको, जो कि प्योर बटर को बोलता है हम कॉस्ट प्राइस से बेचेंगे, लेकिन ये क्या करता है कि उसमें फैट मिला देता है, एडल्ट्रेटेड फैट, गंदा फैट उसमें मिला देता है, जिससे उसको 25% का क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एडल्ट्रेटेड फैट जो है ना, वो आपको क्या फ्रीली अवेलेबल है, तो कितना वहां पे मिक्स कर रहा है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको प्योर बटर जो है ना, उसको प्योर बटर उसने कितना लिया, प्योर बटर उसने 100 ग्राम लिया, और वो कितने का लिया, 100 रुपीज का लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है कि एडल्ट्रेटेड फैट, और वो क्या हुआ आपको, उसको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड फैट का कोई भी कॉस्ट नहीं, तो वो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। और उसने प्योर बटर लिया, वो कितना लिया, 100 100 रुपीज का लिया, ठीक है, 100 रुपीज का लिया, और उसी पे उसको क्या कर रहा है, आपको मिक्स करने के बाद उसी पे बेच दे रहा है। आप बेचने के बाद उसको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है उसको, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1/4 का प्रॉफिट हो। अच्छा, जितना मिलिया उतना ही बेच रहा है, मतलब 100 रुपये मिलिया तो 100 रुपये में बेच रहा, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 जब हो जाएगा, तो इसको हम लोग चलिए निकाल लेते हैं, तो 1/4 तो कितने से डिक्रीज होना चाहिए, 1/5 से डिक्रीज होना, तो 1/5 इसका कितना जो 20 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसको कितना का पड़ गया, यहाँ पे 80 का पड़ गया। यहाँ पर 100 - 80 दैट इज 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 80 - 0 दैट इज 80 हो जाएगा। यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा 1:2 कितना आ जाएगा आपको, 4 का आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेटेड फैट, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड फैट कितना हो गया, ये आपका हो गया 1, ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5, और परसेंटेज निकालना है तो ×100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से 20%। तो 20% यहाँ पे क्या था आपका, एडल्ट्रेटेड फैट था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये, ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द अबव मिक्सचर टू मेक द वाटर 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है, ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स ऑफ अल्कोहल, जिसमें और वाटर का जो मिक्सचर है 75 लीटर्स है,
जिसमें 20% के आपको वाटर है। अब क्या बोल रहा है, कितना हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे, मस्ट बी एडेड अबव द मिक्सर टू मेक द वाटर 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सर। जो रिजल्टिंग मिक्सर हो जाना चाहिए वहां पर 25% वाटर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बोला गया, 75 लीटर हमारे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सर है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, ये मिश्रण है, मिक्सर है, तो यहाँ पर एक तो आपको अल्कोहल है, ठीक है, और एक क्या आपको वाटर है। ठीक है, अब वाटर कितना बोल रहा है, वाटर यहाँ पे 20% बोल रहा है, 20% बोला जा रहा है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 20% इसका हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 50 लीटर कितना हो जाएगा इसका, 20% हो जाएगा। और अल्कोहल कितना बोला गया, 80% बोला जा रहा है, 80% ही हो जाएगा, जब 20% वाटर है तो 80% क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा आपका कितना, 60 लीटर। क्लियर है यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा आपको, 60 लीटर हो जाएगा। अब क्या बोला गया कि हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया इस मिक्सचर में, वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अब पहले 20% था, अब कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 25% हो गया। अल्कोहल जो कहते हुए पहले भी 60 लीटर था, अभी भी कितना हो जाएगा आपका, 60 लीटर, क्योंकि हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, अल्कोहल ऐड नहीं किया। तो 25% जब हमारा वाटर हो गया, तो 75% मेरा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे अल्कोहल हो जाना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो 75 जो कितने के बराबर है, 60 के बराबर है, तो 25% कितने के बराबर हो जाना चाहिए, तो 60/75 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका, 25, ये 3 से चला जाएगा, और ये कितना जाएगा, वो 20। ठीक है, तो 20 लीटर अब क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 15 लीटर पहले था वाटर, अब कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। तो इसका मतलब हमने इसमें यहाँ कितना ऐड किया था, तो +5 लीटर, 5 लीटर हमने यहाँ पे पानी ऐड किया था, तब जाके हमारा 25% क्या हो गया, यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10 लीटर 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें 40 लीटर के आपको मिक्सचर ऑफ वाटर का, सॉरी, ए मिक्सचर है जिसमें 40% का मिक्सचर है और उसमें आपको मिल्क और वाटर है। ठीक है, मिक्सचर किस चीज का है, मिल्क और वाटर का है, जिसमें 10% क्या है, वाटर है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाना चाहिए, 25% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 40 लीटर आपको मिल्क और वाटर है यहाँ पे। ठीक है, 40 लीटर आपको किस चीज का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का है। ठीक है, अब वाटर कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, वाटर बोला जा रहा है 10%, 10% अगर वाटर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 लीटर, तो बचा हुआ 36 लीटर मेरा क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%, तो 10 से अब हमें कितना कर देना है, ये 25% कर देना। तो यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे बताना, जब 25% हमारा वाटर हो जाएगा तो 75% क्या हो जाएगा, मेरा मिल्क हो जाएगा। और मिल्क तो ज्यों का त्यों है, पहले भी मिल्क 36 लीटर था, अभी भी क्या आपको 36 लीटर है। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 75% कितने के बराबर है, 36 के बराबर है, तो 25 कितने के बराबर हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, 3 से चला गया, ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, कितना हो गया आपका, 12 लीटर। तो अभी जाके ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 12 लीटर हो गया। तो वाटर हमने कितना ऐड किया, पहले 4 था, अब 12 हो गया, तो मतलब 8 लीटर हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया था, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 25% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का, अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।